मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सक्रियता के मायने क्या हैं? अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले दिग्गी राजा अब एक पत्र के जरिए सुर्खियों में हैं। पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है, मगर फोन के जमाने में दिग्गी राजा का पत्र लिखना सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा, डीएनए एजेंडा में आपका स्वागत है। आज बात किसानों की, बात दिग्विजय सिंह की, बात पत्र की और बात सियासत की। तो एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पत्र को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है, या यूं कहें कि अभी और गर्म होने वाली है। वजह है दिग्गी राजा का सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखना और मिलने का वक्त मांगना। दिग्गी राजा ने चेतावनी दी है कि 20 जनवरी तक अगर वक्त नहीं दिया गया तो सीएम हाउस में वो धरना देंगे। बात होगी इसी पर, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कड़कड़ाती सर्दी में एमपी का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, या यूं कह लें आने वाले वक्त में ये पारा और चढ़ने वाला है, और वजह है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का पत्र। दिग्गी राजा ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा और उनसे मिलने का वक्त मांगा है, मगर आरोप है करीब एक महीना बीत गया मगर अब तक समय नहीं दिया गया। दिग्गी राजा ने चेतावनी भी दी और ये कह दिया 20 जनवरी तक वक्त नहीं मिला तो सीएम हाउस पर धरने पर बैठेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आरोप है टेम और सुठालिया सिंचाई परियोजना के कारण डूब में आ रहे परिवारों को मुआवजा कम दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, और अब उसी को लेकर दिग्गी राजा सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की दो सिंचाई परियोजना टेम और सुठालिया, इन दोनों को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसमें विदिशा भोपाल गुना भोपाल का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ रहा है, किसानों की हजारों एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है और उनको मुआवजा कम दिया जा रहा है। इसको लेकर लगातार वे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, लगातार किसान पीड़ित किसानों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मैं लगातार पिछले एक महीने से आपसे समय मांग रहा हूं, 20 तारीख के बाद मुझे समय देने की कृपा करें, अन्यथा मुझे किसानों के साथ आपके निवास के बाहर आपके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने पत्र लिखा और लगातार टेबो सुठाले परियोजना के डूब प्रभावित किसानों की आवाज को लगातार मुखर कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी कम मुआवजा दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के पत्र लिखने को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने तंज कसा, बोले दिग्विजय सिंह राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं, वो पत्र तो लिखते रहते हैं, कभी कमलनाथ को तो कभी उमंग सिंघार को। अभी ओले गिरे मध्य प्रदेश में, कहीं दिग्विजय सिंह जी दिखे? आपदा और विपत्ति की घड़ी में कभी नहीं दिखे होंगे। तीसरी वेव आ गई कोरोना की, किसी अस्पताल में दिखे? कहीं अनाज बांटते दिखे गरीबों को? चिट्ठी तो वो कमलनाथ जी को भी लिखते थे, उमंग सिंघार को भी लिखते थे। ये मैं मानता हूँ कि ये पॉलिटिकल पाखंड है, वो चाहे आराम से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही खेत खेत पे जा रहे हैं, चाहते तो वो ओले भी देख लेते और कहीं भी मिल लेते। पत्र को लेकर शुरू हुई सियासत कहां जाकर थमेगी, देखना होगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ किसानों के हक का मामला होता तो दिग्गी राजा कॉल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर सकते हैं, मगर बात सियासत की है, लिहाजा करने से ज्यादा दिखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनए। इसी पर होगी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गीत धीर जी, कांग्रेस से आनंद तारण जी और वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गणेश पांडे जी, आपसे ही क्या लगता है, दिग्विजय सिंह का एक पत्र, उसके बाद उनकी चेतावनी, नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, क्या वास्तव में पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जैसा नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं, या फिर वास्तव में वो किसानों की बात रख रहे हैं? क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कम से कम मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होना, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या? देखिए, ये देखो, राजनेता कोई मुद्दा उठाते हैं तो पॉलिटिकल नजरिए से ही देखा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिछले एक महीने से 3 पत्र लिख चुके हैं सीएम शिवराज सिंह को,
भोपाल, विदिशा, गुना, राजगढ़ सहित करीब जो है 1500 किसानों को मुआवजे का मामला है, जिनकी भूमि बाढ़ ग्रस्त इलाकों प्रभावित हो रही है, उनके मुआवजे के लेके जब सीएम के यहाँ से कोई पत्र नहीं मिला, तब जाके उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर 20 तारीख तक आपने मिलने का समय नहीं दिया तो हम आपके दरवाजे पे धरना देंगे। जी बिल्कुल। गीत जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पत्र और पत्र के बाद सियासी पारा इतनी कड़ाके की सर्दी में गर्माता हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो जनता देख रही है उसमें प्रणाम करता हूँ, गणेश जी को भी प्रणाम करता हूँ, आनंद कारण जी को भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, कांग्रेस का काम जो है वो तो सबको मालूम है, केवल और केवल ढोंग करना है। और जहां तक के प्रश्न आता है दिग्विजय सिंह जी का, तो दिग्विजय सिंह जी के पास समय ही है धंडा देने का, और कुछ भी नहीं बचा है उनके पास में, क्योंकि पहले इन्होंने कांग्रेस को धंडा देने की कगार पे ला दिया था। कांग्रेस ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, इन्हें धंडा देने की कगार पे ला दिया है, क्योंकि ये तो जो थे ऐसे परेशान कर रहे थे कांग्रेस को, सबने देखा, कहीं कमलनाथ जी को परेशान कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इनसे परेशान थे 10 वर्ष जब ये मुख्यमंत्री रहे तब से, और जब इनकी सरकार आई भी बीच में तब तक के, क्योंकि अपने परिवार को एडजस्ट करना था, इनका कोई एजेंडा नहीं था। और अभी भी वर्तमान स्थिति में भी अगर आप देखें तो चाहे मुआवजे की बातें करें, जो किसानों की बातें करें, देखिए जो आदमी अपनी पार्टी का भला नहीं कर पाया, आमजन का भला नहीं कर पाया, किसानों को क्या भला करेगा? कांग्रेस का तो इतिहास ही जो है वो गवा रहा है कि इन्होंने किसानों को मध्य प्रदेश में जैसे छला सबने देखा, फिर इन्होंने किसानों को पंजाब में भी छला, पंजाब में भी कर्ज माफी का वादा करके मुकर गई इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में तो यहां तक के कह देते कि हम उस क्वालिटी का जो है वो सीट देंगे जिसका चाहिए होगा, यानी कि बीज देंगे, उस कंपनी का जो है जिस कंपनी का खाद मांगेगी जनता उस कंपनी की खाद देंगे। अरे खाद और वारदाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने हमेशा छला है, गरीब विषय नहीं है। तो तीन बार पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री को जो है दिग्विजय सिंह, तो क्या समय दे देते तो ये फिर बातें क्यों उठती? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को समय देने के लिए अगर ऐसा कुछ बहुत उपयोगी होता तो निश्चित रूप से समय दिया जाएगा, लेकिन इनका विषय तो मालूम है ना, इन्हें कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये भी सबको मालूम है। अभी कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि जहां पर ये गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होकर, माननीय गवर्नर के लिए एक इनके ही पूर्व मंत्री और ये साथ में खड़े थे, वहां पर गवर्नर के लिए मृत्यु की मांग कर रहे थे तो ऊपर वाले से। तो देखिए, ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को कहां समय दिया जाए, और क्या जनता के हित के लिए बात करेगा? जो प्रदेश के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं कर सकता, वो क्या जनता के हित की बातें करेगा वो व्यक्ति? तो ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जनता भी समझती है, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी समझते हैं, परंतु उनके अब कहने के लिए कुछ नहीं होगा। इनकी पार्टी को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, कमलनाथ जी को सड़क पे ले आए तो सड़क पे आके धरना देंगे, इस पर कुछ नहीं होता है, धमकियां देने की बातें हैं। अच्छा देखिए, कोरोना का काल चल रहा है, किस प्रकार की धमकियां लिख रहे हैं कि सड़क पे आके जो है हम बैठ जाएंगे धरना देंगे, इनका आचरण ही ये रहा। चाहे आप इनका भी लड़कियों लड़कती की बात करिए, तो वहां पर सबने देखा हनुमान चालीसा, इनकी महिलाएं जो है महिला अध्यक्ष के साथ में बैठ के जूते पहन के पढ़ रही, तो कांग्रेस का आचरण ढोंग करना रहा है। और यहाँ पर भी दिग्विजय सिंह केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं, ये राजनीतिक इनका एक षड्यंत्र है ताकि न्यूज में बने रहे, इनको और कोई मुद्दा है नहीं। क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले चिट्ठी भी जाहिर हुई थी, जो जग जाहिर की गई थी, उसमें इन्होंने देखा था इनके पिताजी के लिए किस प्रकार के जो थे वो प्रमाण सामने आया, उस पर बात करें दिग्विजय सिंह, उसके लिए धंडे में बैठे, अगर गलत है तो वहां क्यों नहीं गए? कांग्रेस का तो आचरण जो है बिल्कुल साफ है कि सिर्फ ये जनता को बदला, पॉलिटिकल स्टंट मान लिया जाए, मीडिया में बने रहने की बात मान ली जाए। पांडे जी, क्या लगता है? देखिए, दिग्विजय सिंह पूर्णकालिक राजनेता है, उनको पता है कि कुछ मुद्दे को बनाया जा सकता है। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसान बीजेपी सरकार से नाराज है, इसलिए किसानों के मुद्दे को लेके इन्होंने पत्र लिखा। जिस मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने ये तेवर दिखाए हैं, ये मुद्दा आज का नहीं है, पिछले एक महीने का भी नहीं है, ये 4 साल पुराने मामले हैं, और जो है बांध बने हुए कई साल हो गए। गणेश पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आनंद तारण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूछते हैं, क्या आनंद जी लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का ये पत्र अब एक पॉलिटिकल क्या कहें उसको, कि क्या रार बनती जा रही है, या जो सियासी एक दूसरे पर पलटवार की वजह बनती जा रही है, कि तीन पत्र लिख चुके हैं वो मुख्यमंत्री से, उन्हें समय नहीं मिला, तो अब वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे? अरे जनप्रतिनिधि जी टाइम मांग रहा है जी मुख्यमंत्री से जी, और मुख्यमंत्री से मांग रहा है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, तो अगर मुख्यमंत्री को समय देने में कोई तकलीफ है, क्या मुख्यमंत्री इतने बिजी रहते हैं सुबह शाम तक के, उन्हें
कोई जनप्रतिनिधि को टाइम देने का फुर्सत, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता और प्रवक्ता इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं और अगर वक्तव्य दे रहे हैं, पूरा का पूरा इनका कुलवा दिग्विजय सिंह से घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। भाई अगर एक जनप्रतिनिधि ने टाइम मांगा है, तीन बार लेटर लिखा है, समय कितना ही पुराना हो, कोई भी मामला हो, अगर कोई समय मांगता है, कोई सांसद है, जनप्रतिनिधि है, जनता के नुमाइंदे हैं, और अगर वो समय मांग रहे हैं तो देने में मुख्यमंत्री का परहेज है, और उन्होंने सीधा पत्र लिखा है ना, मीडिया में भी दिया, तो वो बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह जी को जरूरत नहीं है, जहाँ पर दिग्विजय सिंह खड़े होते हैं वहाँ पर 100 कैमरे खड़े होते हैं, और आज ये हालात है कि दिग्विजय सिंह की वाइट बहुत कम लोगों को देते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग वक्तव्य देते रहते हैं उनके बारे में, अलग अलग बातें करते रहते हैं, अरे विकास की बात क्यों नहीं करते, और दिग्विजय सिंह जो बात कर रहे हैं विकास के लिए कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या बात करने में, और बात करने में घबराते क्यों, उधर प्रधानमंत्री घबराते हैं या ये घबराते हैं, और अब बात काली कर रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा में, अरे भाई आप ये तो देखें, आप अपने चरित्र देखें, प्रधानमंत्री जी जब आरती करने गए थे वहाँ रामलला के मंदिर में, तो वो कौन सी भूमिका में गए थे, वो कौन से जूते पहने थे, चप्पल पहने थे, नंगे पैर गए थे, क्या करके गए थे, तो हम तो इस मामले में कोई बहुत क्यों नहीं करते, लेकिन किस तरह के जो राग अलापते रहते हैं, कौन कौन से ढंग, अरे भाई जनप्रतिनिधि है, उन्होंने समय मांगा है तो देने चाहिए ना, क्या जरूरत है कि मंत्री बोल, मतलब उनको बोलने के लिए, दीर जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यदि आवश्यक होगा तो ठीक है, कोई मुद्दा विशेष होगा तो ठीक है, अब पता है कि दिग्विजय सिंह को सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट लाना है इसलिए नहीं दे रहे होंगे सीएम समय, उनने टाइम उनने बताइए ना किस कारण मिलना है, आज एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह के नाम पर प्रलाप करने के लिए सबके पास कायम है, दिग्विजय सिंह जी के नाम पर पत्रकारों के बीच में बात करने के सब बात सबके टाइम है, और दिग्विजय सिंह जी को समय जाने के लिए टाइम नहीं है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती, क्या जनता ये सब देख नहीं रही, क्या जनता ये सब जानती नहीं है, क्या जनता ये सब सुन नहीं रही है, किस तरह के मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे भाई उनने समय मांगा है, आप समय दे दो बात खत्म हो गई, कोई ऐसा था नहीं कि वो आपका दो घंटे बैठेंगे, भाई उन्हें 2 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम भी, और 20 मिनट का टाइम उन्होंने मांगा है, 20 मिनट के टाइम पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो आधा घंटे की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री लोग भाई कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के नाम पर, उन्हें दो दो चार चार दस दस मिनट का टाइम दे रहे हैं, मतलब उसमें तो समय नहीं होता, वो जनता के हित में वो टाइम लगे तो उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए वो बात कर सकते हैं, ठीक है, बातें करते हैं।